The question may be like, tennis ball is dropped on a horizontal smooth surface. It bounces back to its original position after hitting the surface. The force on the ball during the collision is proportional to the length of the compression of the ball. Which one of the following sketches describe the variation of its kinetic energy k with the time t most appropriately? The figures are only illustrative and not to the scale. सुन अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या पहले तो क्वेश्चन में है क्या एक बॉल को जो है ना किसी हाइट से छोड़ दिया भाई छोड़ दिया इसकी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम अगर आप बनाना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ठीक है पहले बॉल नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी वो जा नीचे जाके ऊपर आना और उसका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है ठीक पहली बात तो जो है ना ये ग्राफ का क्वेश्चन है अगर ये ग्राफ का क्वेश्चन है तो आपको देखते ही हंसी आ जाना चाहिए देखते ही हंसी आनी चाहिए क्यों हंसी आनी चाहिए सुन लो क्योंकि चाहे किसी का भी हो ग्राफ का अगर क्वेश्चन हो तो हंसी आना जरूरी है क्यों क्योंकि जो तीन ऑप्शंस है ना ऐसे तीन ऑप्शंस वो तो आप ऐसे रिजेक्ट कर सकते हो उसे ना मैच करवा के मतलब इसमें ये नहीं पता करना था कौन सा ठीक है ये इजीली पता लग जाता बहुत इजीली कि ये तीन गलत कौन होता है इसमें ये गलती है भाई छोड़ दो तो नहीं हो सकता इसमें ये मिस्टेक है छोड़ दो ये नहीं हो सकता इसलिए इसको देख के सियानी चाहिए क्योंकि होना ही होना आपसे ठीक है ना इसलिए सियानी जरूरी है इसके अंदर मान लो आते जाते कुछ होना फिर हंसी आए वो नहीं करना पता चले आते तो कुछ होना और हंस रहा है एग्जामिनर बोल रहा क्या होगा अपने सर ने बोला था अगर आपके क्वेश्चन में हंसना था देखो सुनो इसके अंदर ध्यान से सुनो आप इसने एक बार बताइए आप इसके अंदर जो है ना एक बॉल को जैसे किसी आईडी छोड़ा ये बॉल गई जब एक ग्राउंड से पहले ना पिचके गया से काइनेटिक एनर्जी ना कम हो जाएगी इसकी और कम होते जीरो भी हो जाएगी एक टाइम आएगा जो टक्कर के दौरान काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है इसकी थोड़ी देर तुरंत एकदम से घटी है काइनेटिक जैसे टकराई ना तुरंत घटी है इंस्टेंटली घटी है और घट के एकदम से बढ़ी है ग्राफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा ही आएगा देखो साफ साफ पता लग रहा है पहले तो मोशन को सोचो आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है फिर एकदम से जीरो ही है झटके से जीरो ही है और फिर झटके से एकदम से ज़्यादा भी होगी टकरा के ऊपर उठी ना तो झटके से यानी कि एक बहुत ही कम समय के अंदर पहले जीरो के एकदम से बढ़िया अच्छा काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव होती नहीं है तो ग्राफ नीचे जाएगा नहीं सब ऊपर ही रहेगा और फिर उसके बाद जो है ना फिर से काइनेटिक एनर्जी घटते घटते जीरो होगी मैक्सिमम हाइट तक ठीक है ना पहले घटके फिर देखो सुनो बाप पहले घटी है नहीं सर पहले बढ़ी है ऐसे छोड़ा ना पहले क्या हो रही है बढ़ी है ये क्या कर रहा है बढ़ रही है सही बात है यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रही है सही बात है यहाँ पे भी क्या हो रहा है बढ़ रही है सही बात है यहाँ भी क्या हो रहा है सही बात है यार यहाँ तक तो सही है लेकिन चारों भी सही लग रहे हैं यहाँ तक तो फिर क्या हुआ एकदम झटके से जीरो हुई फिर एकदम से बढ़ गई जीरो होके एकदम से बढ़ी इसमें भी जीरो होके एकदम से बढ़ी जीरो ही नहीं हुई जीरो ही नहीं हुई यार ये तो क्या समझ आ रही है पता आपको इस तरीके ग्राफ का क्वेश्चन हमेशा ऐसा होता है ऐसे करना होता है एक ऑप्शन करके निकालना होता है इसके अंदर जीरो होके एकदम से बढ़ गई ठीक अच्छा अगली बात शुरू में भी जीरो थी बाद में भी जीरो थी देखो इसमें शुरू में जीरो है छोड़ी थी जीरो और फाइनली पहुंची जीरो शुरू में छोड़ी जीरो फाइनली भी जीरो है शुरू में जी ये टच कर रहा है ग्राफ शुरू में जीरो और बाद में भी जीरो है लेकिन अगली बात सुनो काइनेटिक एनर्जी वर्सेज टाइम का ग्राफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता बताइए हाफ एम वी स्क्वेयर और वेलोसिटी जो होती है ना जी टी के बराबर होगी इसकी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वी तो यू तो जीरो है इसका तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जी टी के बराबर हो जाएगी वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से तो यहाँ पे हाफ इंटू एम इंटू में जी टी का स्क्वायर यानी कि हाफ एम जी स्क्वायर टी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी जो है ना एज ए फंक्शन ऑफ टाइम स्क्वायर होगा इसमें काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो गई टी स्क्वायर मतलब पता है क्या जैसे कि पहले एक सेकेंड में जितनी काइनेटिक एनर्जी हुई ना तो पहली दो सेकंड में काइनेटिक एनर्जी चार गुना होगी टी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता तो स्ट्रेट लाइन बनता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है तो यानी कि कर्व शेप आएगी पक्का है कर्व शेप आएगी आएगी जो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो एक बेसिक बात होती है वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है कर्व शेप का होता है हमेशा समझ आ रही है बात आपको वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर इस केस के अंदर जो है ना यहाँ पर या तो नेचर ग्राफ की ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी नेचर या फिर इसके अंदर पता क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर हो तो ग्राफ ऐसे आता है
एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर हो तो ग्राफ ऐसा आएगा इसमें। समझ आ रही है बात आपको? ये बेसिक बात है फिजिक्स की, एबीसीडी की तरह ही है। वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा आता है, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर ग्राफ ऐसा आता है, ठीक है ना। ये वाली बात आपको हर टाइम याद रहनी चाहिए। अच्छा एक और चीज़, एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ जरूरत नहीं है फिर मैं दे देता हूँ। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर हो ना, तो ये माइनस साइन लग गया तो एक ग्राफ की मिरर इमेज ले लोगे आप, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा ऐसा ग्राफ। और अगर इसमें माइनस साइन लग जाए ना इसका, ये था एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर का था, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर हो तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये जो बात है ना, अभी देखो ये वाली ऐसी बात है जो कि हर एक अच्छे बच्चे को तो बिल्कुल ऐसे टिप्स पे रहती है बीसीडी की तरह, उससे कोई ये बात पूछता है ना तो वो झटके से बता डालता है इस बात को। तो ये बात एक बेसिक बातों का एक कलेक्शन है, जो बेसिक पॉइंट्स है उन बेसिक बात का एक कलेक्शन है। यानी कि फिजिक्स क्या है, कई सारी बेसिक बातों का कलेक्शन है, जिसको सारी बेसिक बातें अगर माइंड में सेट है ना तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक होगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं होगा तो वो सोल्यूशन देखते ही समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है ना। ये फिजिक्स इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द बेसिक थिंग्स। अब इसके अंदर ये एक बेसिक पॉइंट है ये वाली बात, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई स्क्वायर ग्राफ ऐसा होता है, एक्स डायरेक्टली माइनस वाई स्क्वायर। ये पता नहीं कहाँ जरूरत पड़ जाती है अचानक, ये नहीं पता होता कौन से चैप्टर में के कौन से क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है, हर जगह ये अचानक एकदम से आ जाता है, ठीक है ना। और ये हमें बात नहीं पता होती इसलिए फिजिक्स टफ लगती है हमें। अच्छा अब सुनो, अब इसी क्वेश्चन में इस बात की जरूरत थी, इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता इसके अंदर ग्राफ। क्यों? इसमें काइनेटिक एनर्जी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ रही है लीनियरली, और काइनेटिक एनर्जी लीनियरली घट रही है, तो ये वाला ग्राफ तो वैसे ही कैंसिल हो गया फिर, क्योंकि ये इस टाइप की कर्व नेचर तो आनी चाहिए, कर्व नेचर आनी चाहिए। तो यानी कि ये वाला भी हमने रिजेक्ट कर दिया, दो तो गए भाई, गए ना दो। अच्छा अब सुनो अगली बात, अब इन दोनों में से आइडेंटिफाई करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें ग्राफ जो बनना चाहिए ना वो ये तो ऐसा बनेगा मैंने बोला, या फिर ऐसा बनेगा, ये ऐसे क्यों बना रहा है इसके अंदर, इसमें ऐसे यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ टाइम है, यानी कि ये तो वाई हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया यहाँ पे, एक्स हो गया, तो ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, ये तो क्या है यहाँ पे वाई, और टाइम क्या यहाँ पे एक्स, तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर तो नहीं है। यहाँ टाइम और यहाँ काइनेटिक एनर्जी होता तो ऐसे नेचर बनती है इसकी, यहाँ y है, यहाँ पर x है, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है। देखो आप, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे t है, तो कर्व ऐसी बनेगी, कर्व ऐसी नहीं बन सकती कर्व इसके अंदर, सिंपल सी बात है, आ रही है ना बात समझ में आपको। और नीचे आते वक्त भी तो ये वाली कर्व, यानी कि ये वाली एजिटीज बना दी इसने, ये वाली कर्व, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये वाला सही हुआ और ये वाला गलत हो गया। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, आपको कमी निकालनी है बस, बाकी तीन में ग्राफिक क्वेश्चन में तीन में कमी निकाल के चौथा अपने आप ठीक हो जाएगा। और एक और बात, इसने ये बोला कि अप्रोप्रिएटली मतलब स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है ये, आप ये मत समझना कि ना कई सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, नहीं सर ये देखो इतना बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया इसने तो, ठीक है ना, कि मतलब जीरो के एकदम से ज़्यादा होने, उससे भी कम समय में होता है, तो बिल्कुल शार्प ऐसे करो वैसे जाके ऐसे जाएगी एकदम से उठेगा शार्पली, मतलब और भी कम टाइम लगेगा इससे, मतलब इतना ज़्यादा मत सोचना, ये एग्जैक्टली स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, समझ आएगा। रफ रफ में तरफ आइडिया बताना है कि कौन सा सही होगा इन चारों में से, ठीक है।